असल डियर स्टूडेंट्स मैं आपका टीचर जही आज का लेक्चर हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है बेटा व्हाट आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एम्बेडिड डिवाइसेस आर एम्बेडेड सिस्टम ऐसी डिवाइसेस जिनमें इन सॉफ्टवेयर मौजूद होती है किस तरह से चिप की फॉर्म में और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे रिपेयर नहीं किया जाता या उसकी सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल नहीं की जाती बल्कि उसे रिप्लेस कर दिया जाता है वो डिवाइसेस एम्बेड डिवाइसेस या कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अलावा आजकल हमारे पास हर तरफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस ही कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। हमारे पॉकेट में हमारे इस्तेमाल में इवन के आजकल तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस की फॉर्म में पेन्स भी आ गए क्लासेस के अंदर भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज हो रही है सो व्हाट आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑल मशीन्स कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस तमाम मशीन्स या ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे डिवाइसेस डेट कंटेन स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग चिप्स क्या स्पेशलाइज कंप्यूटिंग चिप्स इंबेडिड इन दैन ऐसी तमाम डिवाइसेज जिनके अंदर स्पेशल कंप्यूटिंग चिप मौजूद है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों मौजूद हैं वो क्या कहलाती हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहलाती है और इंबेडेड इन देम मतलब कि वो चिप्स उसमें जुड़ी हुई हैं उन कंपोनेंट्स में वो चिप्स लगी हुई हैं जुड़ी हुई हैं तो वो तमाम डिवाइसेस क्या कहलाती हैं एम्बेडेड डिवाइसेस या कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहला रही होती तो बेटा दीज डिवाइसेस आर यूज टू तो परफॉर्म स्पेशल कंप्यूटिंग टास्क ये डिवाइसेस बेसिकली स्पेशल कंप्यूटिंग टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज हो रही होती हैं। ऑटोमेटिकली खुद बाखुद। जैसे ऑन कर दिया वो अपने ऑपरेशन खुद परफॉर्म कर रही या उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे दी और उन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर उसने ऑपरेशंस खुद परफॉर्म करने हैं ऐसी तमाम डिवाइसेस कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और अगर इन एग्जांपल्स को हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी हमें कंप्यूटिंग डिवाइसेस मिलेंगी फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी एटीएम मशीन अब एटीएम मशीन को हमने कार्ड इनपुट करना है अमाउंट इनपुट करनी है यूजर नेम पासवर्ड आ गया ये चीजें उसे हमने इनपुट डाटा देनी है बाकी ऑपरेशंस उसने सब खुद परफॉर्म करने होते हैं, है? तो भी ही है तो कैसे उनके अंदर भी स्पेशल प्रोग्राम डिफाइंड है एम्बेडेड है और वो उन्हीं प्रोग्राम्स की बेस के ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है ठीक है कोई पर्सन उसके साथ मशीन के साथ बैठा नहीं हुआ कंप्यूटर के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू उस मशीन को इंस्ट्रक्शन देता जाए कि हांजी यार ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन नहीं उसके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर मौजूद है और वो उस बिल्ट इन सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होती है इन द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज मार्केट में जाए बच्चों के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक भी है हाथ का इशारा कर दो रुक जाएंगे क्रैप कर दो चलना शुरू हो जाएंगे आप हंसेंगे वो भी रिस्पॉन्स में हंसेंगे तो ऐसे तमाम ऑपरेशन जो डिफाइंड है लेकिन कुछ ऑपरेशन होंगे डिफाइंड वो उनसे हटकर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तो वो भी किस में आ जाते हैं वो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आ रहे हैं डिजिटल अलार्म क्लॉक, हमने टाइम सेट कर दिया टाइमर लगा दिया और वो उस टाइम पर अलार्मिंग स्टार्ट कर देगा ठीक है इन द सेम वे आजकल तो स्पोकन अलार्म भी आ गए आपने उसमें मैसेज लिख दिया वो साथ साथ अलार्म के साथ साथ वो मैसेज भी रिपीट करता रहेगा तो इस तरह की तमाम ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज हो रही है माइक्रोवेव ओवन आप टाइमर सेट कर देते हैं वो टाइमर खुद ब खुद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ हो जाता है तो, एसी डिजिटल वॉशिंग मशीन बच्चों आप लोगों ने भी देखी होंगी आजकल ऐसी वॉशिंग मशीन भी आ गई हैं जिनमें सिर्फ आपने क्या करना है कपड़े डालने और उसकी सारी फिटिंग हुई हुई है डिटर्जेंट आपने रख दिया बीच में अब वो खुद बखुद जितने कपड़े होंगे पानी उतना ही खुद बखुद उसे मैनेज करेगा और पहले धोकर सुखाकर प्रेस करके फोल्ड करके आउटलेट में रख देगा तो इस तरह से सारे के सारे ऑपरेशन खुद हो रहे हैं मैनुअली तो ये हर ऑपरेशन हम खुद से परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन डिजिटल वॉशिंग मशीन के अंदर उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे जस्ट डेटा इंटर कर दिया और बाकी ऑपरेशन उसने ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने हैं इन द सेम वे सेलफोन्स आपके सेल फोन के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं आप शेड्यूलिंग कर सकते हो आप डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं तो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ जाती है और भी देखें तो गूगल ग्लासेस आ जाती हैं आपके पास जो पेन बेस्ड कैमराज आ रहे हैं ये भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आ रहे होते हैं एंड और बहुत सारी डिवाइसेस या अप्लायसेस या कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो बेटा ये था हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस और इसके बाद अब हम बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर को नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी बेटा पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें देखा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर परफॉर्म द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट फॉर द यूज तो उसके अंदर हमने बेसिक ऑपरेशंस को हाईलाइट किया था वो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली इस ब्लॉक डायग्राम से आप देख सकते हैं चार हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज कंप्यूटर ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है कोई भी कंप्यूटर हो सुपर कंप्यूटर हो मेन फ्रेम हो मिनी हो माइक्रो कंप्यूटर हो मोबाइल डिवाइस कंप्यूटर हो या फिर डिजिटल है एनालॉग है हाइब्रिड है किसी भी टाइप के किसी भी साइज के कंप्यूटर्स आ जाएं वो ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं सो रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एवरी कंप्यूटर परफॉर्म फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन कैसे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं यूजर ने इनपुट की वो प्रोसेसिंग के लिए चला गया साथ में स्टोर हो गया स्टोर होने के बाद दोबारा प्रोसेस के लिए आ गया और प्रोसेस होकर आउटपुट प्रोड्यूस हो गया ठीक है यही चीजें हमारे पास किस में आती हैं बेसिक ऑपरेशंस में आ रही होती है सो so, पहला ऑपरेशन आ जाता है इनपुट ऑपरेशन हम इनपुट ऑपरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा बेसिकली एक्सेप्टिंग आर रीडिंग डेटा फ्रॉम एनी अदर सोर्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एक्सेप्टिंग आर रीडिंग डेटा फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन अभी एनी अदर सोर्स हो क्या सकती है हमने कुछ टाइप कर दिए माइक के जरिए से मैं बोला सोर्स कौन हूं मैं हूं मैं इनपुट कर रहा हूं कंप्यूटर को ठीक है और इस इनपुट के लिए क्या यूज हो रहा है इनपुट डिवाइसेस यूज हो रही टाइपिंग की किसके थ्रू कीबोर्ड के थ्रू कीबोर्ड क्या है एक इनपुट डिवाइस है इसी तरह से जो कुछ बोला गया वो कंप्यूटर ने कैप्चर किया किसके थ्रू माइक के थ्रू माइक क्या है इनपुट डिवाइस है so, इस तरह से जो हैं, उन सोर्सेज और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही होती है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हो रही होती है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है कि इनपुट ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय इनपुट डिवाइसेस अब जो इनपुट ऑपरेशन है जो किसी और सोर्स से कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट कर रहा है वो डाटा किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस वो यूज कर वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है सच माउस जिसके जरिए से हम क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं की जिसके जरिए से हम कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं कंप्यूटर में करेक्टर डाटा एंटर कर रहे होते हैं कैमराज पिक्चर कैप्चरिंग वगैरह के लिए देन स्कैनर्स कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट को हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट कॉपी डाटा में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर्स यूज हो रहे होते हैं कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जिनके जरिए से इनपुट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट मैकेनिज्म से यूजर्स डाटा कैप्चर करती हैं और कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रही होती हैं इसके बाद आउटपुट ऑपरेशन है जो कि हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं सो बच्चों, व्हाट इज आउटपुट ऑपरेशन आउटपुट ऑपरेशन इज अ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फॉर द यूजर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फॉर द यूजर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेसिंग की अब यूजर्स को वो रिजल्ट चाहिए तो वो उटपुट ऑपरेशन ठीक है इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ यूजर ने अपना डाटा कंप्यूटर को एंटर करवाया कंप्यूटर ने डाटा को एक्सेप्ट किया फ्रॉम यूजर इसी तरह से जब कंप्यूटर यूजर के लिए आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए वो आउटपुट डिवाइसेस को यूज करेगा और उन आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर देन प्रिंटर्स स्पीकर्स प्लॉटर्स एटसेट्रा ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग की बात हम करते हैं व्हाट इज प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस ऑन इनपुट डाटा यानी डिफरेंट ऑपरेशन इनपुट डाटा के ऊपर जो परफॉर्म करने का प्रोसेस है उसे प्रोसेसिंग ऑपरेशन कहते हैं ठीक है परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन ऑन इनपुट डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड दीज ऑपरेशन कैन बी वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं इनपुट डाटा के ऊपर जो डिजिटल कंप्यूटर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं दीज ऑपरेशन कैन बी अरेथमेटिक अरेथमेटिक के अंदर अगर आप देखें तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन एक्सपोनेंट इस तरह के आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशन लॉजिकल आर कंपेरिजन ऑपरेशन हम कह सकते हैं। लॉजिकल यानी कि चीजों को रिलेट करना या कंपैरिजन दो चीजों को या दो डेटा एलिमेंट्स को कंपेयर करके रिजल्ट कैलकुलेट करना इनके लिए लेस लेस देन 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 ग्रेटर ग्रेटर इक्वल 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 टू 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 नॉट भी हमारे पास आ जाते हैं इक्वल टू नॉट इक्वल टू यह भी हमारे पास कंपेरिजन में ही आ रहे थे एंड डिसीजन मेकिंग और उसके साथ साथ डिसीजन लेना के कौन सा ऑपरेशन या कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म होनी है और कब परफॉर्म नहीं होनी ये चीजें सारी की सारी किस में आती है प्रोसेसिंग के अंदर आ रही होती है और ये तमाम एक्टिविटीज या ऑपरेशंस प्रोसेसिंग का हिस्सा होते हैं एंड प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कार्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म प्रोसेसिंग आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोरेज ऑपरेशन की बात हम करते हैं वट इज स्टोरेज टू स्टोर समथिंग आर टू राइट समथिंग ऑन द डिवाइस इज कार्ल्ड स्टोरेज प्रोसेस ऑफ राइटिंग आर स्टोरिंग डेटा इन टू स्टोरेज डिवाइसेस इज कार्ल्ड स्टोरेज ऑपरेशन हमने क्या किया एक प्रोसेस परफॉर्म किया जिसके जरिए से कंप्यूटर का रिजल्ट हमने स्टोर करवा दिया राइट डाउन कर दिया ऑन सी डी राइट डाउन कर दिया ऑन हार्ड डिस्क तो ये क्या चीज आ जाएगी ये स्टोरेज ऑपरेशन आ जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी और वो स्टोरेज डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर कर रही हैं, जिनके ऊपर डाटा राइट डाउन किया जा रहा है वो कौन कौन सी हो सकती ड्राइव डीवीडी ब्लूरे डिस्क फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा तो बेटा ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर जो के फोर हैं इनपुट ऑपरेशन आउटपुट ऑपरेशन स्टोरेज ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन और तमाम कंप्यूटर ये फंडामेंटल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज